सुब्रमण्यम बोलिए सर। यस सर, सबसे पहले किसने देखा इसे, किधर चलना है? चलो चलो आइए, चलो आइए सर, इस तरफ यही रास्ता है सर, इस तरफ से नदी के किनारे जाना है। कितने बजे देखा आपने? सुबह 6 बजे सर। अरे जल्दी आओ, कुत्ते के भौंकने की आवाज आई तो यहाँ देखा तो बॉडी पड़ी थी, इसलिए मैंने आपको फोन किया। कांस्टेबल, इसको ऊपर से कपड़े हटाओ। ये क्या सर, इंस्पेक्टर सुभाष है सर। सर राजकुमार। यस सर। स्पॉट पे पहुंच गया क्या? स्पॉट पर ही सर। बॉडी किसकी पता चला या नहीं? बॉडी किसकी पता चल गया, सुभाष इंस्पेक्टर की है सर, कातिल को 1 घंटे में पकड़ लेंगे सर। ओके सर, बॉडी को एम्बुलेंस में डालो। यस सर। कांस्टेबल चलो चलो उठाओ इन्हें, चलो ले चलो। सर कातिल को पकड़ लेंगे क्या सर? कातिल को पकड़ने के बाद आपको इंटरव्यू दूंगा। कोयल नगर जो मंदिर से शहर बनने वाला था, आज गुंडों का अड्डा बन गया है। गुंडों को खत्म करने के लिए हमारी पुलिस डिपार्टमेंट आगे क्या करने वाली है, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। अरे चल 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 निकल, चल 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 चल, कोई छूटने ना पाए, सबको पकड़ो। अरे चल 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 निकल, भाग जल्दी, भाग जल्दी, रुक जाओ, रुक जाओ, निकल 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 निकल, आप पुलिस वाले के पीछे निकल जाओ, पीछे पीछे पड़ गए, रुक जाओ, खेत में घुस जा, ना ना रुक जाओ, उस तरफ पकड़ो, पकड़ो, रुक जाओ, इधर छुपा बैठा है, चल साहब हैं क्या? यस सर। मुजरिम को हाजिर करना जी, मैं इन्फॉर्म करता हूँ। साहब आ रहे हैं, सब लोग शांत हो जाओ। नमस्ते जज साहब। पुलिस ने आपको मारा क्या? नहीं सर। 15 दिन का रिमांड है। ए, चलो चलो सब गाड़ी में बैठो, चलो चलो। क्यों मास्टर जी, मैंने सुना है इलेक्शन में खड़े हो रहे हो। शांति से रहो आर के, पहले अपना बिजनेस देखते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। ओके मास्टर जी। चलो आज इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। सूर्य कुमार, अपने इस अड्डे पे पुलिस क्यों आ रही है? चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ मास्टर जी। नमस्ते सर। हर महीना तो आपको हफ्ता आ जाता है, फिर आप यहाँ क्यों आए? केस के सामने तू बात कर, मैं एसीपी राजकुमार हूँ। क्या हुआ एसपी साहब, किसकी जगह पे आए हो पता है ना, जरा होशियार रहना। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इंस्पेक्टर को मार दोगे, तुझे तो घसीटते हुए ले जाऊंगा मैं। रुक जाओ, इन सब की वजह कौन है मुझे पता है। आरके, लड़कों को देख लेना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये मास्टर नहीं छोड़ेगा। क्या गुनाह, तूने कहा कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाऊंगा, अगर हिला ना तो तुझे जान से मार दूंगा। सबूत है, इसीलिए मास्टर जी को अरेस्ट किया गया है। गुना, कमाल कर दिया, 1 तीर से 2 वार किए। उस इंस्पेक्टर को खत्म करके उस इल्जाम को मास्टर जी के ऊपर डालकर तुमने उसे भी अंदर करवा दिया। आज के बाद बस स्टैंड, मार्केट, मिट्टी के खदान, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होंगे। आज के बाद हर कोई तुम्हारा ही नाम लेगा गुना। ये बात किसने कही? कुमकरण से वसूली करने के लिए हम लोग हैं? अपना यार है ना वसूली करने के लिए। अरे दीदी जल्दी से मुझे गरम गरम वड़ा देना। तो क्या बोला, वड़ा बनाने को बोल दिया लेकिन जब पैसा मांगूंगा तो बोलेगा बड़ा है छोटा है और पैसे नहीं देगा। अच्छा इंसान कमाता है, बुरा इंसान खाता है, उसी कहानी जैसा।
क्या रे, दो वड़ा डालने के लिए बोला था, तूने चार डाल दिए और वड़ा छोटा है बड़ा है बोल रहा है, जाकर चूल्हे को बराबर से सही कर। आ जा रहा हूं। दुनिया में रहने वाले छोटे छोटे देश आगे बढ़ गए, जिस पर आश्चर्य होता है। अपने इंडिया की इकोनॉमी क्या है, यही है। एक तरफ अंबेडकर को पेरियार बोल रहे हैं, दूसरी तरफ लाश को कॉमन जगह पर नहीं ले जा सकते, ऐसी हालत है। एक तरफ प्लस टू में 95% पास हुए हैं और दूसरी तरफ कम मार्क्स की वजह से सुसाइड हो रहा है। एक तरफ लवर्स डे सेलिब्रेशन और दूसरी तरफ ऑनर किलिंग। इसकी वजह से जो लोग राज करते हैं ना, उसकी वजह हम जैसे लोग हैं। इसका एक ही रास्ता है, जनता को हम एक साथ मिलकर, हमारी जरूरत क्या है उसे ढूंढकर हम लोग बिल्कुल जीतेंगे। अरे आजा मेरे यार, हम लोग यहाँ पर बैठ के तेरा ही वेट कर रहे थे। मेरे लिए? पर क्यों? क्यों क्या, मिनी स्टेट बैंक को तूने हाथ में पकड़ के रखा है और हम लोग भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, क्या तो वेट तो करना ही पड़ेगा यार। पार्टी में भेजने वाला पैसा है। अरे यार, कोई भी पार्टी वाला हो, हर कोई अमीर ही होता है। हम जैसे गरीब लोगों के ऊपर थोड़ा तो ध्यान दो। बातें करते रहोगे तो हमारे लिए काफी नहीं होगा, दान पेटी खोलकर पैसे बांट दो हमें। मैंने तो वड़ा का ऑर्डर भी दे दिया। ए, जो तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक ही जगह पर सब लोग रहते हैं ना, वो जिसके पास नहीं रहता है उन लोगों को देना ही ठीक रहेगा। कंफ्यूज कर रहा है। अरे यार, वो वहां देख रहा है ना, उसकी बात कर रहा है। ओ, तो दान पेटी का बंटवारा कर देते हैं। अरे बाप रे बाप, अरे नालायक लोग इस तरह खाकर खत्म कर रहे हैं। वड़ा भी तुम लोगों ने खत्म कर दिया। अरे यार देखना, बस भी आ गई। पार्टी के ऑफिस चले गए, कल आकर मैं दे देता हूं। आप कौन देगा पैसे? ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, सीढ़ी पर मत रहो, ऊपर चढ़ो, अंदर जाओ, जाओ अंदर। क्यों भाई कबीर? अबे उधर गाड़ी खड़ी थी तो नहीं चढ़ना चाहिए था? जब गाड़ी चल दी तो चलती गाड़ी में चढ़ रहे हो भाई। जिसका पैर सही नहीं होता ना, वही खड़ी बस में चढ़ता है। हम तो चलते हुए एरोप्लेन में भी बैठ सकते हैं। वही तो। किसने कहा? और कौन, अपना मास्टर बीस। बहुत खुशी हुई, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। भाभी जी टिकट। मेरा देवर कंडक्टर है तो मैं क्यों टिकट लूं? बस में चढ़ोगी तो देवर जी हो जाऊंगा और बस से नीचे उतरो तो कंडक्टर हो जाता हूँ। आपका हिसाब भी अलग है। बहन जी टिकट ले लीजिए। बोल देंगे, मालिक के साथ आ जाना। मालिक के साथ आकर क्या करूँगा, तुम्हारे साथ बैठ कर दारू पीऊंगा क्या? ये लो टिकट पकड़ो। क्या काजल, SMS है क्या? MMS? अरे तो एक बार मुझे भी भेजो ना। भेजूंगी ना तो लाइट ही टूट जाएगा, चलेगा क्या? टूट जाएगा। अरे यार वो अपनी चप्पल की बात कर रही है। चप्पल? हे, हमने बहुत टूटे हुए चप्पल देखे हैं और देखना बाकी है। ए जरा सुन, क्यों पढ़ने लिखने वाली लड़कियों के साथ लफड़ा कर रहा है? कौन ये लड़की तुम्हें पढ़ने लिखने वाली लगती है क्या? SMS और MMS लड़कों को भेज भेज कर ये लोग बेचारे लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। बस इन्हें यूज करना ही आता है। लड़के ना बिल्कुल सेल फोन के जैसे होते हैं। ये तो फिर और लड़कियां ना सिम कार्ड के जैसी होती हैं। समझ नहीं आया। अरे यार लड़के सेल फोन के जैसे स्ट्रांग और सिंगल ही होते हैं, पर ये लड़कियां ना सिम कार्ड के जैसे ऑफर के हिसाब से हमेशा बदलती ही रहती हैं। संभल के रहना। ये बदलने का काम बाद में करते रहना, पहले तो टिकट ले ले। अच्छा टिकट। अरे यार निकाल दो। ए, ये क्या है रे? हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं ना वो सब आपके लिए है भाई। प्रचार के लिए आने जाने का ट्रांसपोर्ट का खर्चा ये सब आपको ही देना है। चलो निकालो। हाँ, 1 रुपए का नोट मुझे देकर मुझसे 9 रुपए ऐंठना चाहते हो क्या? पहले पैसे निकाल भाई, बाद में दे दूंगा ना। मैं बाद में आकर देखता हूँ। ये ले भाई, इसे पर विश्वास ही नहीं है। टिकट 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 लीजिए बहन जी। ए, क्या टिकट टिकट कर रहा है? अगर मुझे टच किया ना तो बता दूंगी तुझे। अरे ले तो रहे हैं, क्यों टिकट टिकट करके परेशान कर रहा है? पता चल गया क्या? मेरी कहानी पूरे गांव वालों को पता चल गई। ये लो भाभी जी टिकट। इसके पैसे हिसाब में लिख लीजिए। हिसाब में? चाय वड़े के हिसाब में। अच्छा अच्छा, मैं चाय के हिसाब में लिख लेता हूँ, वड़ा के हिसाब में नहीं। क्यों मूर्ति भाई, वड़ा पसंद नहीं है क्या? अरे जाने देना भाई, पहले से ही मेरी जिंदगी में 7.5 चल रही है। देख भाई कबीर, ये दिखने में तो बहुत अच्छा लड़का है लेकिन इससे दोस्ती करने में सावधान रहना। अरे छोड़ो ना, अपना ही लड़का है। अरे बाप रे, ये सुबह चढ़ा कर आ गया, अब ये कौन सा 7.5 है? बहन जी जरा पानी दो ना। इसलिए खेती बाड़ी के लिए पानी मांग रहा हूँ क्या? दो ना। ये लो। ये सारा पंगू फिर शुरू हो गया। बस में बैठते ही शराब का नशा चढ़ जाता है। बहुत बड़ा बेवड़ा लगता है ये सफर का मजा। नालायक कहीं का मिनी बस को मिनी बार बना के रख दिया नालायक दुष्पाजी कहीं का। तुझे नहीं दिया इसलिए जल रहा है क्या?
क्या कहा? मुझे जलन हो रही है, मेरे घर पे पूरी बोतल रखी है। हाँ? अरे इस नदी पे डैम बांधने के लिए पहले तुम टिकट तो ले लो चचा। हाँ, निकाला है। हाँ? अरे ना लाया कहीं के, इसीलिए पानी मांगा था तूने ताकि शराब में मिला सके। क्यों टीचर, शराबी को पानी की समस्या के बारे में क्या पता? ये मुझे क्या पानी की समस्या के बारे में नहीं पता है, जरा मैं आ गया। पानी की समस्या के बारे में मुझे अच्छे से पता है। हाँ। नदी में ब्रिज बना रहे थे तो बोले थे ठीक है मुझे पेरियार तोड़ना है और कावेरी में बोल रहे बोल थे हाँ। कि वहाँ बीच में डैम बनाना हाँ। सारी हाँ। नदियों को नेशनलाइज करना हाँ। मतलब एक साथ जोड़ना हाँ। है राजनीति और नेता लोग इंटरव्यू दे रहे ऐसा भी लेते और इसके बारे में बात करो तो मुझे शराबी बोल देते। देश की समस्या जानता हूँ। देश के बारे में सोचना छोड़ दे बेवड़े, पहले अपने घर के बारे में सोच। सिग्नल आ गया रे। आ गया क्या? ए, पूरा यहीं पीकर जा, घर पर अच्छा रहेगा। ए, शराबी कहकर मत बुलाना मुझे। ये चल रे चल। क्यों टीचर, उसको पानी दे रही थी ना, आपका बैग चुरा कर ले गया तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? पता नहीं कैसे कैसे लोग जी रहे हैं यहाँ, अपने घर बार की चिंता ही नहीं है इनको। ए, तू मुझे देख कर क्यों गाड़ी चला रहा है? आगे देख कर गाड़ी चला।